नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं गर्ग शुक्ला। छठवें चरण का रण जारी है, लगातार मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। 1 बजे तक की तस्वीर क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। प्रतापगढ़ में 1 बजे तक 35.88% मतदान हुआ है। भदोही में 1 बजे तक 35.85% मतदान हुआ है। बस्ती में 1 बजे तक 40% मतदान हो चुका है। लालगंज में 38.13% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 38.37% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर 1 बजे तक 37.66% मतदान अब तक हो चुका है। ये हम आपको दोपहर 1 बजे की तस्वीर बता रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, उनसे लगातार न्यूज 18 ये अपील भी कर रहा है कि आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए और मतदान जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर छठवें चरण में वोटिंग हो रही है और 1 बजे तक कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है वो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। देर शाम तक इन आंकड़ों में और बदलाव आएगा, क्योंकि अभी धूप बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे तपिश कम होगी और ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। इधर राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने दावा किया है कि देश भर में इंडिया गठबंधन के पक्ष में शानदार माहौल है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी, जो कि आज प्रतापगढ़ पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या माहौल आपको लग रहा है? 5 चरण के चुनाव बीत गए, आज छठवें चरण। देखिए, मैं देश के ज्यादातर राज्यों में चुनाव प्रचार करके आया हूँ। आज भी सीधे चुनाव प्रचार के कार्यक्रम से, चूंकि मतदान बहुत आवश्यक है तो वोट देने के लिए आया, फिर अभी यहाँ से चला जाऊंगा बंगाल चुनाव प्रचार के लिए। देश में बहुत शानदार माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन बहुत आसानी के साथ बढ़त पर है और हर चरण के बाद परिणाम और बेहतर हो रहा है और अच्छा हो रहा है, माहौल अच्छा हो रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में जो स्थिति गठबंधन की है वो बेहतर हुई है। अभी प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि हम 270 के आसपास अभी तक पहुंच गए हैं और इस बार भाजपा जो है साफ हो जाएगी। देखिए, ये नारा तो पहले दिन से चल रहा है, सिर्फ पूर्वांचल आते आते नहीं, दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। मैं केरल से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर के देश के हर राज्य में मैंने प्रचार किया, जम्मू कश्मीर से लेकर के और बंगाल से लेकर बिहार, राजस्थान, कोई राज्य छूटा नहीं है। मैं पार्टी ने मुझे पूरे देश में भेजा। जो देश में माहौल है वो बदलाव का माहौल है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जनता स्वतः इस चुनाव को लड़ रही है, ये महत्वपूर्ण बात। सर, मोदी जी कहते हैं कि 4 तारीख के बाद शहजादे विदेश चले जाएंगे। दरअसल मोदी जी के तमाम जो भी आरोप थे, प्रत्यारोप थे, वो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने का प्रयास था वो सब ध्वस्त हो चुका है। आज पूरा देश राहुल जी की बातों पे भरोसा कर रही है और मोदी जी मंगलसूत्र, भैंस और पता नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं, गरिमा से नीचे आकर के उस पर भरोसा नहीं कर रही है। सर, तो उनका घबराना, उनकी भाषाई मर्यादा का टूटना लाजिम है। सर, आप जितने बड़े नेता हैं उतने उससे भी ज्यादा बड़े आप शायर हैं, तो शायर के माध्यम से, शायरी के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम तो पूरे देश में ये बात कहते रहे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, वो पुराने दिन जहाँ चीजें सस्ती थी, भाईचारा था, प्यार था, हम उस पुराने दिन की तलाश में हैं और वो पुराने दिन के लिए मतदान कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पुराने दिन ही वो आप हमें लौटा दें। और तमाम सारे मुद्दों पे जो है बेबाकी से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा के ऊपर जो है निशाना साधा और गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। रोहित सिंह, न्यूज 18 प्रतापगढ़। प्रयागराज में गंभीर रूप से बीमार महिला भी वोटिंग करने के लिए पहुंची। ऑक्सीजन किट के साथ वोट देने पहुंची 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला मंजुला सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वोट जरूर डालिए। मेरा लंग्स काफी डैमेज है, हार्ट का तो है ही, वो स्टेंट लगा है और डायबिटिक है बहुत। इसके बावजूद आप मतदान करने आई हैं, तो कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो आपको मताधिकार मिला उसका प्रयोग करने आई हैं? आप ये समझ लीजिए कि हम बेटरेस्ट पे हैं और हमें लगा कि नहीं, ये मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है जिसको हमको करना है। मेरे अलावा मेरे लिए जो अधिकार मेरा है वो किसी को नहीं मिलेगा, तो मुझको तो जाना ही पड़ेगा अपने अधिकार का इस्तेमाल करने। जौनपुर में हमारे संवाददाता साकेत मिश्रा ने वोट देने के बाद बाहर आए लोगों से बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। रक्त हो
देश सशक्त हो, राष्ट्र सशक्त हो और विश्व में हमारा परचम लहराए, इस चीज को ध्यान में रखते हैं। जब मेरी सरकार ऐसी सशक्त होगी तो हमारा विश्व में परचम लहराएगा, इस उम्मीद के साथ हमने मतदान किया। बिल्कुल, तो देश सशक्त हो, सरकार भी सशक्त हो, आपके क्या मुद्दे हैं, जौनपुर के क्या मुद्दे हैं, क्या विकास आप चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? देखिए, सबसे पहले तो देश सशक्त हो, नारी सशक्तिकरण का जो इतना कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सरकार उस पर बहुत काम कर रही है, तो नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण ही। नारी सशक्तिकरण, नारी है, महिला है, तो जाहिर सी बात है कि, और ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ये देखिए, ये इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, पहली बार आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर आप युवा हो, क्या लगता है कि जौनपुर में क्या कुछ नया होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? मेन तो हमारा मुद्दा यही है कि देश का विकास हो और एजुकेशन के फील्ड में सरकार थोड़ा और काम करे तो अच्छी बात है। बिल्कुल, पहली बार आपने मतदान किया है, क्या लग रहा है जौनपुर में? आप यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के वोटर हैं, आप क्या कुछ चाहते हैं अपने सांसद से, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? हमने मेन यही एजुकेशन के लिए किया है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जाए, हमारी जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उसको और विश्व स्तर पर बढ़ाया जाए, उसी के लिए हम मतदान किए हैं। सुल्तानपुर में लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहां से जो तस्वीर आई है और लोगों का जो रिएक्शन है वो भी आपको दिखाते हैं। सुल्तानपुर में हो रहे मतदान के दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त माता जी जो हैं वो व्हीलचेयर पर मतदान के लिए पहुंचे हैं और तमाम लोग यहां पर मतदान के लिए पहुंचे, उनसे बात करेंगे। माता जी, किन मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंचे हैं आप? क्या बताएं? विकास विकास हुआ है कुछ सुल्तानपुर में? हाँ, हो रहा है, हो रहा है विकास। क्या लग रहा है इस बार किसके पक्ष में माहौल है? अब देखिए, हमको लगता है भाजपा को होना चाहिए। ऐसा क्यों, लोग भाजपा को क्यों लोग लाइक करते हैं? मोदी जी की वजह से। हाँ, मोदी जी की वजह से। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं, क्या हो? मुद्दे दिखने वाले हैं, जो भी चुनाव हो रहा है यहाँ पे, उस चुनाव को अगर देखा जाए तो इस समय पूरे भारत में सिर्फ दो तरह के मतदाता हैं। एक जिनके आंख है, जो विकास देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, प्रगति देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये देख रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है हमारा किसके हाथ में है। और जहां तक मेरा अपना मानना ये है कि किसी पार्टी विशेष का नाम यहां नहीं ले सकते हैं, यही है कि पिछले 10 साल में भारत में उधर डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और सांसद जगदम्बिका पाल ने बड़े अंतर से अपनी जीत का दावा किया। और जिस तरह से डुमरियागंज लोकसभा में मतदाताओं की अपने घरों से निकल करके पूरे उत्साह और उमंग के साथ बूथों पे लाइन लगी हुई है, वो इस बात का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मतों से जीतने का संकेत दे रहा है। और जिस तरह से आने के बाद वोटर्स का एक रिस्पॉन्स है, चेहरे पर उनकी खुशी दिखाई पड़ी, मुझे लगता है उन्होंने मुझे अपनी परीक्षा में बहुत अव्वल नंबर से पास किया, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इधर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि विपक्षी कहते हैं कि बीजेपी 400 पार नहीं करेगी, इससे जाहिर है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। आप विपक्षी पार्टियों के बयान सुनेंगे तो वो कहते नहीं 400 पार नहीं होंगे, मींस अपनी हार वो पहले ही मान चुके हैं। तो सबका केवल ध्येय है कि 400 पार न करने पाए, तो निश्चित रूप से ये सब हार मान चुके हैं। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि प्रयागराज में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदान के छठे चरण में जनपद प्रयागराज जो है वो मतदान कर रहा है। सुबह से लेके अभी तक शांतिपूर्ण मतदान जारी है। पुलिस प्रबंध पुख्ता रूप से किए गए हैं जिससे शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो सके, और विभिन्न पुलिस की इकाइयां जो इन मतदान को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने में लगी हुई हैं, उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि हम सभी लोगों को फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पे रहना है, जिससे इस मतदान के पर्व में, इस मतदान के उत्सव में सभी लोग उत्साह के साथ प्रतिभाग कर सकें।
इसके अलावा प्रयागराज के डीएम नवनीत सिंह चहल ने लोगों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी, अभी मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इस अवसर पर आप सभी लोगों के माध्यम से ये जरूर अपने जनपद के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने घर से बाहर निकलें और लोकतंत्र के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको जरूर पूरा करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। सर, निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से कहा था, काफी प्रयास आप लोगों ने किए थे, कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन जो शुरुआती 2 घंटे थे वो 10% से भी कम अभी वोटिंग फूलपुर और इसके अलावा इलाहाबाद सीट पर हुआ है, तो किस तरह से अभी और मतदान बढ़ने की संभावना है? देखिए, अभी हम विभिन्न बूथ्स का विजिट करके आए हैं, हम और पुलिस कमिश्नर सर, और जहां भी हम देख रहे हैं वहां पर अच्छी संख्या में मतदाता आ रहे हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी की जीत होगी और 400 पार का बीजेपी का नारा सच हो सकता है। भाजपा की जीत होगी। एक नारा लगा है कि 400 पार, क्या 400 पार का ये जो नारा है? देखिए, 2 बार नारे लगे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 और 19 में, और दोनों नारे उनके सफल हुए हैं, तो इसलिए अभी हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, हो सकता है नारा भी उनका सफल हो। उधर प्रतापगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने कहा है कि जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है और बीजेपी 400 पार करेगी। देखिए, 400 के पार है, मोदी जी ने जो गारंटी दिया है, जनता ने विश्वास किया है और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति अटूट है। और आज तक, क्योंकि मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, देश की भविष्य को, आने वाला कल का जो भारत है वो एक मजबूत नींव की तरह उभरे, तो जनता का पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सुनामी चल रही है। जैसा पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें चरण का मतदान हुआ है कि हर बार कुछ न कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में और आंधी बढ़ती जा रही है। छठे राउंड तक आते आते ये राजनीतिक सुनामी आ गई है इंडिया गठबंधन के लिए। आज हर वर्ग का, समाज का आदमी मतदान कर रहा है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। आई फील वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वी आर अंडर द डेमोक्रेसी। व्हाट इज द वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर गोइंग टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम? जस्ट पिक द राइट कैंडिडेट फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। The right people will come, always country will go in better space. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में शानदार तरीके से वोटिंग हो रही है, सभी से वोटिंग की उन्होंने अपील भी की। हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए, यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे, बोलते नहीं मैं तो बूथ पे जाऊंगा, वहां जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आएँ, सब लोग डालें, सभी PWDs के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है, तो अब पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में, तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फोटो देखिए, कितने खूबसूरत फोटोज हैं।